हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन लिख रहे हैं। और ये जो वैकेंसीज है SSC कंप्लीट करवा रहा है और इसमें आपको वैकेंसी मिल रही है 20,000 पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी कि जो पोस्ट है आपको कितनी मिल रही है आप देख सकते हो, 20,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल रही है। और ये जो सभी पोस्ट है आपको स्थायी पोस्ट मिल रही है, यानी कि परमानेंट जॉब आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल रही है, यानी कि काफ़ी सारी पोस्ट आपको मिल रही है, जिसमें आपको डाक सहायक की वैकेंसीज मिल रही है, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है, इसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है, लेखपाल की आपको वैकेंसीज मिल रही है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसीज, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की, यानी कि काफी सारी वैकेंसियों का एक साथ नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। और ये जो वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको मिल रही है, जिसमें आपका डाक विभाग है, टैक्स विभाग है, IB है, राजस्व विभाग है, इसके बाद आपका विदेश मंत्रालय है और केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के अंतर्गत इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे सभी राज्यों से और सभी राज्यों में, यानी कि अभी आप जैसे कि यूपी से हैं तो यूपी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जिसमें आपका एक तो हो गया डाक विभाग का, यानी कि पोस्ट और जो पोस्ट ऑफिस है, यानी कि बड़ी पोस्ट ऑफिस है, इसके बाद आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है रेल मंत्रालय, तो ये जो वैकेंसीज है, ये जो पोस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस से मार्किंग, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक जानकारी में आपको बताइए, रीटियास आप देख सकते हो, हिंदी में आपको बताया SSC भर्ती प्रक्रिया 2022। केंद्रीय चयन आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थाओं में ग्रुप V और ग्रुप C के करीब 20,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। अब यहाँ वैकेंसीज आपको ग्रुप V की मिल रही है और ग्रुप C की वैकेंसीज मिल रही है। ग्रुप B में आपको असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है, उनकी वैकेंसीज मिलेगी। इसके बाद आपको ग्रुप C में जैसे कि लेखपाल है, आयकर सहायक है, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, ये वगैरह वगैरह पोस्ट आपको ग्रुप C में मिल जाएगी। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको इस रिक्रूटमेंट में 20,000 मिल रही है। अब बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनसे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि भारतीय लेखा परीक्षा, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं, गृह मंत्रालय, रेलवे, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये वैकेंसीज आपको मिलेगी। यानी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। और इसका जो एग्जाम सेंटर है, सभी राज्यों में है और जॉब लोकेशन भी आप सबकी सभी राज्यों में है। जैसे कि आप यूपी से हैं, यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जॉब लोकेशन यूपी में आपको जॉब मिल जाएगी, आपको परीक्षा सेंटर जो है यूपी में मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है, यहाँ पद डिटेल्स आपको बताया, ग्रुप B ग्रुप C की वैकेंसीज है। अब बात कीजिए एज की, तो एज की गणना हम आपको बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, यानी कि कब से की जा रही है। इससे पहले आपको कुछ इसमें बेसिक एज आपको बताया, 18 से लेकर 27 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 18 से लेकर 32 वर्ष तय की गई। यानी कि आपको इसमें अलग अलग पोस्ट मिल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी सारे डिपार्टमेंटों से एक साथ नोटिफिकेशन निकाला गया है 20,000 पदों पर। इसके बाद जो नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि SC ST अभ्यर्थी को 3 से लेकर 5 साल की छूट मिलेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले SSC की वैकेंसीज आपको बताइए, आप देख सकते हो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके बाद आपको यहाँ आपको बताइए कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आज यानी कि कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 8-10 तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको इसमें पेमेंट डिटेल्स और पोस्ट डिटेल्स बताई गई है कि कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है। तो यहाँ ग्रुप B में भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल रही है और इसमें ग्रुप C की भी वैकेंसीज है। जैसे कि बात की जाए लेवल 7 का जो पेमेंट्रिक्स रहने वाला है, यानी कि केंद्रीय सचिवालय सेवा से भी वैकेंसीज आपको मिल रही है और IB से भी आपको वैकेंसीज मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे से आपको मिल रही है, और यानी कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है यहाँ से ये वैकेंसीज आपको ग्रुप B की मिल रही है। ये आप सभी के लिए ग्रुप B की वैकेंसीज, आप जो पोस्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार है, यानी कि तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, हम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिखाएंगे। अब बात करेंगे ग्रुप C की वैकेंसीज, तो ग्रुप C में आपको अकाउंटेंट की वैकेंसीज, लेखपाल की वैकेंसीज मिल रही है। अब देख सकते हो पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि डाक सहायक और छटनी सहायक की वैकेंसीज आपको मिल रही है। 27 वर्ष आपकी एज रखी गई है, SC ST OBC को छूट मिल रही है। इसके बाद भी काफ़ी सारी वैकेंसीज और आपको मिल जाती है, जो आयकर विभाग में भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल जाती है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज आपको बताइए, रिजर्वेशन आपको बताया गया, तो आप देख सकते हो टोटल 20,000 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को निकाला गया है। डिपार्टमेंटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह जानकारी आपको बताई जा रही है। इसके बाद कोई भी भारत का नागरिक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि सभी राज्यों से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद एज की गणना 1 जनवरी 2022 से की जा रही है, 1 जनवरी 2022 से की जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के बारे में यदि आप कोई आपके डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो इस वैकेंसी को एक साथ निकाला गया है तो डाउट्स जरूर होंगे। और 83 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना, और यदि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपको बताइए 8-10-2012,
इसमें सबसे पहले आपको बताइए बैचलर डिग्री यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि ये जो ग्रुप बी की वैकेंसीज है इनके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई जा रही है। इसके बाद जो डिपार्टमेंटली डिप्लोमा है जिसमें आपकी मास्टर बिजनेस होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि काफ़ी सारी जो डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता होगी किस पोस्ट के लिए ग्रुप बी में। अब बात की जाए अदर आल पोस्ट के लिए, अदर आल पोस्ट जिसमें आपकी ग्रुप सी की है और इसके बाद आपको यहाँ काफ़ी सारी और वैकेंसीज बताई थी, इन सभी वैकेंसियों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो पोस्टों को छोड़कर ये दो पोस्ट आपको यहाँ बताई जा रही है, प्रथम आप देख सकते हो पॉइंट एट वन और एट टू में जो पोस्ट आपको बताई जा रही है इन सभी को छोड़कर जो आपको इसमें बताई जा रही है, इसमें जो 10+2 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको काफ़ी सारी बेसिस और जानकारी समझाई गई है, ये हैं आपके एग्जाम सेंटर, तो आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जोन वाइज वैकेंसीज आपको बताइए, तो जोन वाइज ही आपके यहाँ एग्जाम सेंटर आपको बताए गए हैं, तो जैसे कि सेंट्रल जोन में आपके कौन कौन से जैसे कि राज्य हैं जिले हैं वो आपको यहाँ बताए गए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, यदि आप भी ग्रेजुएशन पास हैं तो इस ब्रैकेट में फॉर्म अप्लाई करके एक अच्छी ऑफिसियल लेवल की वैकेंसीज आप